So students, welcoming you in information technology second or third session. Okay, in this sessions we are doing the unit 2, which is the networking and internet. Okay, and so far we have discussed about introduction of networking and internet. We get the idea, basic idea. हम कह सकते हैं कि हमने देखा कि networking और internet क्या होता है. बस अब हम बुक बाय बुक को टॉपिक बाय टॉपिक को फॉलो करेंगे. हमारा फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग. किसी भी अगर आप कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी आपको पहले हिस्ट्री पता होनी चाहिए, है ना, कि आखिर वो डेवलप कहाँ से हुआ, एवोल्यूट कहाँ से हुआ. तो हमने उस दिन देखा था कि ARPANET मीन्स एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. ये क्या है? एक फर्स्ट नेटवर्क है, यानी इसे हम ग्रैंड डैड, देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, इसे हम ग्रैंड डैड बोलते हैं नेटवर्किंग का, यानी जो इंटरनेट बोल लें या फिर हम नेटवर्किंग बोल लें, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बोल लें. तो ARPANET वॉज द फर्स्ट स्टेप विच हैज प्रूव्ड वेरी, आप उसे बोल सकते हैं रेवोल्यूशनरी इन द फील्ड ऑफ नेटवर्किंग. ओके, तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद हो जानी चाहिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रैंड डैड ऑफ इंटरनेट. And it was developed by the U.S. Department of Defense. U.S. Department of Defense. Okay. So, यहाँ पर हमने दो चीजें सीखी, दो बातें जो आपको याद करनी है. इसको डेवलप किसने किया था? U.S. यानी अमेरिका, यानी कि USA की Department of Defense ने, जिसे हम DOD बोलते हैं. और इसकी फुल फॉर्म क्या है? Advanced Research Project Agency Network. और ये Granddad of Internet भी बोला जाता है इसको. Okay, the work for establishing the network started in the early 1960s. और ARPANET के ऊपर जो work, यानी networking के ऊपर जो work है, वो कब से start हुआ था? 1960 में. Okay, so हमने उस दिन भी discuss किया था कि DOD की इसकी need क्यों पड़ी. DOD को इसकी need पड़ी research work के लिए, और उनको जो अपना military power है, जो उनको military जो base है, वो उनको अपना strong करना था. That's why they have developed the network, which is the ARPANET. ओके, अब देखिए ARPANET जैसे ही डेवलप हुआ, उससे हमारे रिजल्ट क्या हुआ नेटवर्किंग फील्ड में, या हम बोल सकते हैं आईटी फील्ड में क्या डेवलप हुआ? हमारे सामने प्रोटोकॉल्स आए. अच्छा सर, ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके वेबसाइट के आगे आता है HTTP या HTTPS, है ना, आप सभी ने सुना होगा. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट डज दिस HTTP और HTTPS मीन? एनीवन कैन प्लीज रेज योर हैंड. किसी को भी पता है कि HTTP या HTTPS क्या होता है, या आपने कभी उसको नोटिस किया है कि HTTP आपने किसी ने देखा है? प्लीज रेज योर हैंड अगर किसी को भी पता है. सो द बेसिकली HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? एक प्रोटोकॉल होता है. ओके सर, तो ये प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल्स क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स होता है, रेगुलेशंस होता है, जो कि इंटरनेट पे हमें रिसोर्स शेयर करते हुए या कुछ भी इंटरनेट पे एक्सेस करने के लिए हमें उसको फॉलो करना होता है. ठीक है, अब अभी देखिए, आप जैसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आपको टीचर्स के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा. अगर हम आपको बोलते हैं कि म्यूट करिए अपने आप को, तो आपको म्यूट करना होगा. तो दिस इज हाउ एवरी इंटरनेट रिसोर्सेज हैज आल्सो टू फॉलो द इनिशियल प्रोटोकॉल. तो जो ARPANET का जो डेवलपमेंट था, उसने हमें किससे इंट्रोड्यूस कराया? प्रोटोकॉल से. ठीक है, फिर हमें किसकी नीड पड़ने लग गई? लैंग्वेजेस की. यस, अगर आपको नेटवर्किंग पे काम करना है तो आपको कंप्यूटर सिस्टम को कुछ कमांड्स देने होंगे, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने होंगे. तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया कि अगर हमें कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने हैं, कमांड्स देने हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? लैंग्वेजेस. तो अब देखिए, आपके सामने ये बात आ रही है कि जैसे ही ARPANET का डेवलपमेंट हुआ, हमें क्या क्या चीजें मिली? प्रोटोकॉल, लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क. यहाँ तक बात आपको आ गई होगी आइए समझ में. ठीक है, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ईयर वाइज कैटेगराइजेशन कैसे हो सकता है हमारा. ठीक है, तो हम देखेंगे कि ईयर बाय ईयर कैसे नेटवर्किंग डेवलप हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बताया, जैसे कि 1961 में ARPANET अर्लीस्ट कंप्यूटर नेटवर्क के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ. ओके, इसको प्रपोज किसने किया? इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? लियोनार्ड क्लिनरॉक. वापस बोलो, लियोनार्ड क्लिनरॉक. ओके, तो इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन आपको बता दिया है. तो ये आपके MCQ टाइप का जो आपके पेपर आने वाला है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. और अब मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका जो MCQ टाइप का जो क्वेश्चन आंसर है, आपका जो टेस्ट होने वाला है, वो आज की क्लास और कल की क्लास जो भी होगा, जो भी मैटर हम कवर करेंगे, उसी के बिहाफ पर आपका जो ये गूगल फॉर्म का टेस्ट है वो लिया जाएगा. ओके ओके, फिर हम देखते हैं कि 1961 में जब ARPANET डेवलप हुआ, तो उसके बाद 1965 में पैकेज. ओके, तो व्हाट इज द पैकेज? पैकेज मीनिंग क्या होता है, कौन बताएगा मुझे?
हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं पैकेट. एनीवन कैन प्लीज. एग्जैक्ट आंसर नहीं आता तो भी आप बता सकते हैं कि पैकेट क्या है, कोई भी बताइए मुझे. आप अपना सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग. सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड व्हिच इज व्हाट इज नेटवर्क. आखिर नेटवर्क होता क्या है? देखिए मैं केवल बात कर रहा हूँ नेटवर्क की, नॉट अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क. अगर आप केवल बात करें जनरल टर्म की कि नेटवर्क होता क्या है, तो नेटवर्क ऐसी कोई भी चीज जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है, चाहे वो कम्युनिकेट करने के लिए हो या कोई भी स्पेसिफिकली टास्क अकम्प्लिश करने के लिए हो, है ना. जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं रोड्स, रेलवे लाइंस, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, ये भी तो आपस में कनेक्टेड है और ये भी कम्युनिकेट करती है या कोई भी टास्क अकम्प्लिश करती है, तो उसे हम नेटवर्क बोल सकते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज नेटवर्क, तो अ सिस्टम ऑफ कनेक्टेड थिंग्स. ओके, अ सिस्टम ऑफ कनेक्टेड थिंग्स. अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है. ये तो बात होगी कि नेटवर्क क्या है, बट व्हाट डू यू मीन बाय द कंप्यूटर नेटवर्क. सो हियर इज अ डेफिनेशन दैट अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एन ऑटोनोमस कंप्यूटिंग डिवाइस. सो देयर इज एन टर्म विच मीन्स द ऑटोनोमस. व्हाट डू मीन बाय द ऑटोनोमस. ऑटोनोमस का मीन्स है कि इसका हिंदी में अर्थ मैं बताऊं तो होता है स्वतंत्र, है ना. लेकिन जैसे कि अगर हम नेटवर्किंग के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो जैसे मान लीजिए मैंने 5 कंप्यूटर्स को या 5 सिस्टम को नेटवर्क से कनेक्ट किया, तो 5 के 5 सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे. ऐसा नहीं है कि जो मैं फर्स्ट कंप्यूटर पे रन कर रहा हूँ, जो फर्स्ट कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर मैं एक्सेस कर रहा हूँ, वो इस 5 के 5 कंप्यूटर में दिखे. ऐसा नहीं होता है. यानी ऑटोनोमस. आप अगर बात कर लेते हैं इंटरनेट कनेक्शन की, इंटरनेट भी क्या है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. ऐसा तो है नहीं कि आप सभी को ग्लोबली एक ही चीज दिखाई जा रही है. आप अपने मन से जो भी आपका मन करता है वो आप उसको एक्सेस करते हैं. तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एक ऑटोनोमस नेटवर्किंग है. ठीक है, तो वापस से देखते हैं डेफिनेशन. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एन ऑटोनोमस कंप्यूटिंग डिवाइसेस सो एज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और शेयर रिसोर्सेज. कंप्यूटर नेटवर्क तब तक रिलायबल नहीं माना जाता या मीनिंगफुल नहीं माना जाता जब तक वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करे या अपने रिसोर्सेज को शेयर करे. तो आई होप आप सभी को ये कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. देखिए कंप्यूटर नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं तो आई थिंक इसका कुछ एडवांटेजेस होंगे, तभी हम यूज कर रहे हैं. तो इसका मेजर जो एडवांटेजेस है वो है कि हम इससे रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, स्टोरेज को शेयर कर सकते हैं और कम्युनिकेशन भी. आई थिंक इन द माय पर्सनल पर्सपेक्टिव दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एडवांटेज ऑफ नेटवर्क व्हिच मींस दैट इट इंप्रूव्स द कम्युनिकेशन. ओके, मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूँ जूम का, इंटरनेट का. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर रहा है. या आप टेलीफोन लाइन्स की बात कर रहे हैं, आप मोबाइल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये नेटवर्क के थ्रू ही हुआ है कि आज हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज्यादा और लार्जर स्केल पे इम्प्रूव हुआ है. फिर हम बात करें कि रिसोर्सेज शेयर की. अब आप अपने स्कूल में देख लीजिए कि 3-4 कंप्यूटर्स जो है वो एक सिंगल प्रिंटर से कनेक्टेड है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. तो हम इससे क्या कर सकते हैं? रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं. ऐसा तो है नहीं कि पर पीसी के लिए अलग अलग प्रिंटर चाहिए. अगर हम प्रिंटर को सभी पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं तो वाई वी नीड एन अनदर प्रिंटर, है ना. तो दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ नेटवर्क. फिर हम बात करते हैं शेयर स्टोरेज. आप ये मान के चलिए कि जो स्टोरेज कैपेबिलिटीज हैं नेटवर्क पे कनेक्ट करने के बाद ये बहुत ही वाइड हो जाती हैं और एक तरह से अनस्टॉपेबल हो जाती है ना. तो ये है कुछ एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क. फिर अब हम बात करते हैं कि सर नेटवर्क के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज इट इज कॉम्प्लेक्स. देखिए आज हम बात कर रहे हैं नेटवर्किंग की, तो वो हम बात कर रहे हैं कैसे, थ्योरेटिकली बातें कर रहे हैं या हम थ्योरेटिकली इस चीज को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है टैकल करना. आपको क्या होना चाहिए, नेटवर्क इंजीनियर ही इसको अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हैं. और कई बार जो है नेटवर्क इंजीनियर भी इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसे हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स वेब है नेटवर्किंग का, उसको भी क्रैक करना बहुत ही हार्ड होता है. सो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क. ओके, फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स, सेकेंड वन इट इज वेरी कॉस्टली. ओके, जो इसके ट्रांसमिशन मीडियम्स आते हैं, जो इसके डिवाइसेज आते हैं ना, जो टूल्स होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं. एंड द थर्ड, फाइल सिक्योरिटी कंसर्न. ये बहुत ही मेन डिसएडवांटेज है नेटवर्क का, लेकिन इसके ऊपर वर्क चल रहा है. हम जैसे ITNs हैं, है ना, आप जो बनेंगे ITNs, तो इस पे काफी वर्क हो रहा है सिक्योरिटी के ऊपर. तो आज जो है आपने सुना होगा न्यूज़पेपर पे कि फेसबुक ने आपका डेटा चुरा लिया, या फिर ट्विटर पे आपका डेटा लीक हो रहा है, टिकटॉक बैन हुआ क्योंकि वो हमारा जो
डेटा है वो किसको दे रहा था, चाइना को प्रोवाइड कर रहा था। तो अगर हम नेटवर्क यूज करते हैं तो हमारा जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो जाते हैं। ठीक है, तो इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग टू द कंप्यूटर नेटवर्क, इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। है ना, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट। ओके, as I have also described the internet in the previous session, that it is the full form of international network, or we can say the interconnected network. Why do we call this interconnected network? Because it is connecting the whole globe. Okay, it is connecting the whole globe. Everyone around us can have access to the internet. And now, ज़्यादातर हम अपने आसपास देखेंगे तो internet तो हर कोई use कर रहा है. एक्सेप्ट वो जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, जो रूरल इलाके के लोग हैं, वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल गवर्नमेंट उस पर वर्क कर रही है। ठीक है, सो आई थिंक आई हैव अ क्वेरी। ओके, सो द इंटरनेट इज वास्ट नेटवर्क, एज वी ऑल नो दैट, है ना, ये बहुत ही वास्ट नेटवर्क है, बहुत ही बिग नेटवर्क है, एंड दैट कनेक्ट कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। यू माइट बी वंडर टू नो दैट इंटरनेट इज ऑल्सो द कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर ओनली। अगर आप मैं बात करूं कि इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटर्स का ही एक ग्रुप है। इंटरनेट कोई ऐसा चीज नहीं है कि कोई सर्वर है, कोई डिवाइसेस है, नहीं, ये बहुत बड़े बड़े जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उन्हीं को जब हम वास्ट लेवल पे नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट करते हैं, सो इट इज नोन द इंटरनेट। ओके, थ्रू द इंटरनेट पीपल कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन। यस, वी ऑल नो दैट कि इंटरनेट के द्वारा हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, द इंटरनेट वर्क थ्रू अ सीरीज ऑफ नेटवर्क्स दैट कनेक्ट डिवाइसेस अराउंड द वर्ल्ड थ्रू टेलीफोन लाइन्स। एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास आल्सो दैट वी आर यूजिंग द टेलीफोन इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन्स, दैट आई हैव आल्सो डिस्क्राइब्ड अबाउट द BSNL एंड द लीजिंग सिस्टम दैट एवरी ISP इज यूजिंग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ISP। ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इज एनीवन हु हैज एनी आइडिया ऑफ ISP? किसी को आइडिया है ISP क्या है? एनीवन कैन प्लीज? ओके, सो राहुल इज राइट दैट ISP इज अ काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये एक कंपनी हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है। वेरी वेल आंसर राहुल। ओके, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, एज वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एयरटेल, जियो, BSNL, ओके, वोडाफोन, है ना, तो ये क्या है? ISP। तो ISP के थ्रू जो है हमें इंटरनेट का एक्सेस मिलता है। ओके, द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मोबाइल ब्रॉडबैंड एंड Wi-Fi इन द 21st सेंचुरी हैज अलाउड दिस कनेक्शन टू बी वायरलेस। अर्लियर वी वर यूजिंग द ब्रॉडबैंड कनेक्शन विच इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वायर्ड कनेक्शन। क्या होता था कि जो आपके जो टेलीफोन पोल्स होते थे वहां से वायर को लेकर के आप एक सिंगल मॉडेम से कनेक्ट करके और लैंडलाइन फोन के थ्रू हम इंटरनेट कनेक्शन यूज करते थे। इवन आई हैव यूज्ड दैट आल्सो। लेकिन अब क्या है, वाईफाई आ गया है। ठीक है, वायरलेस कनेक्शन इतने हो चुके हैं कि हम वायरलेस भी इंटरनेट से अपने PCs को, अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इंटरनेट। Now there is very important topic is coming, students, components of computer network. देखिए, जब भी computer network की बात होती है तो हम क्या सोचते हैं कि दो computer को connect कर दो wire के through, ये network बन जाएगा। नहीं, वो network तुरंत नहीं बनेगा। Network को अगर आपको establish करना है तो उसके कुछ components होते हैं, तो बिना उन components के combination के कंप्यूटर नेटवर्क नहीं फ्रेम किया जा सकता है। ओके, सो हियर आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड दैट मेयरली बाय ज्वाइनिंग टू कंप्यूटर with a cable bond form a network. Okay, so how we can form the network with the use of this type of components. Okay, in fact there are many components that together make a network. The major components of a computer network are as follows. So first one is the sender, second is receiver, third one is message, and fourth is communication channel. ठीक है, तो सेंडर के जैसे आप नाम से पता लगा सकते हैं कि ऐसा नोड। नोड क्या होता है सर? नोड होता है जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि 5 कंप्यूटर से कंप्यूटर नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं। तो ये 5 कंप्यूटर्स क्या हुए? ये एक नोड्स हुए। क्या हुए? नोड्स। ठीक है, तो ऐसा नोड जो कुछ भी सेंड करेगा, कोई भी डेटा सेंड करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेंडर। ठीक है, ऐसा कोई भी नोड जो रिस्पॉन्सिबल होगा किस लिए? डेटा को रिसीव करने के लिए। सो this will be the receiver, just like I am the sender to you and you are the receiver. Okay,
एंड मैसेज. मैसेज क्या है? हमारी मीटिंग चल रही है, हमारी एक एजुकेशनल मीटिंग चल रही है जिसमें मैं आपको पीडीएफ के थ्रू पढ़ा रहा हूँ. ओके, तो ये क्या हो गया? एक मीनिंगफुल डेटा हो गया या मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हो गया जो कि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ. ओके, एंड देन द कम्युनिकेशन चैनल. यस, अब हम कौन से कम्युनिकेशन चैनल से कनेक्टेड हैं? हम वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल से कनेक्टेड हैं. तो देखिए, बातों बातों में ही हमने एक लाइव एग्जांपल ले लिया और हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क भी समझ लिया. तो देखिए, सेंडर, रिसीवर, मैसेज और कम्युनिकेशन चैनल. कम्युनिकेशन चैनल दो टाइप के होते हैं, वायर्ड एंड वायरलेस. ठीक है, बिना कम्युनिकेशन चैनल के आप जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो. ठीक है, वायर्ड और वायरलेस, ये दो टाइप के कम्युनिकेशन चैनल होते हैं. Now there is another term which comes is host and server. Okay, so we have left only 10 minutes. So just winding the class in a very rapid manner. After that, I will ask the questions which I have given in the previous class. Okay, so host. Host या node क्या होता है? Refers to the computer that are attached to a network. जैसा कि मैंने आपको बताया कि network में जो भी computers हैं, जो भी devices attached होंगे और रिसोर्सेज को शेयर करना चाहेंगे तो उससे हम क्या बोलेंगे? होस्ट. ओके, यस. सो इफ आर पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन व्हेन कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, इट मे बी द होस्ट आल्सो. ओके, अब देखते हैं सर्वर क्या होता है. सर्वर भी थोड़ा बहुत होस्ट की तरह ही होता है. सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द नेटवर्किंग टास्क. बट सर्वर क्या करेगा? नेटवर्किंग टास्क को एग्जीक्यूट करेगा. देखिए, अगर आपके पांच कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी के सभी पांच जो होंगे सर्वर होंगे. ठीक है, उसमें से केवल एक रिसीवर ही होगा, है ना, या एक हो सकता है, दो हो सकता है. तो ऐसा कंप्यूटर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है नेटवर्किंग टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, जस्ट लाइक शेयरिंग ऑफ डेटा, रिसोर्स शेयरिंग, कम्युनिकेशन करने के लिए, so this will be referred as the server. Okay, so I am using a term which is the resource sharing once again. Okay, so what do you mean by the resource sharing? Resource sharing means ऐसी कोई भी चीज, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्सेज हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो, जो भी हम शेयर करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, विच इज नोन एज द रिसोर्स. ठीक है, अब हार्डवेयर रिसोर्सेज में जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि हम प्रिंटर्स शेयर करते हैं, स्कैनर, सीपीयू, मेमोरी, ये सब कैसे एग्जांपल हुए? हार्डवेयर रिसोर्सेज के. फिर हम बात करें सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज की, जैसे हम ऑडियो कंटेंट भेज रहे हैं, वीडियो कंटेंट भेज रहे हैं, टेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर है, सो दिस विल बी रिफर्ड एज द सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. ओके, एंड वन टर्म इज ऑल्सो देयर इज कम्युनिकेशन. सो कनेक्टिंग कंप्यूटर्स थ्रू अ नेटवर्क फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. यस, व्हाइल कनेक्टिंग टू द नेटवर्क वी कैन कम्युनिकेट whatever, it will be the resource sharing communications or we can say the live communication. So how we communicate with the help of network devices such as modems, routers, switches. We will discuss these kind of devices in detail I think in the tomorrow class also. ठीक है, आपको आपको बताया जाएगा कि modems क्या होते हैं, routers क्या होते हैं, switches क्या होते हैं. So students, give me a thumbs up or raise hand so I can understand that you are understanding my point. Very